नमस्कार वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आ गया हूं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे पॉइंट वाइज मैंने जानकारियां लिख रखी हैं। सबसे पहली जानकारी, ओआरओपी 2 का एक और केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। इस बार मोर्चा संभाला है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के राजीव बहल जी ने। जी हाँ, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट और लीगल सेल के हेड राजीव बहल जी ने यह जानकारी दी है कि वन रैंक वन पेंशन की एक जो बड़ी विसंगति थी वो थी एक्स ग्रुप के पेंशनर्स को लेकर के, जो कि डिप्लोमा होल्डर्स एक्स ग्रुप के पेंशनर जो 2016 के पहले के रिटायरी थे उनको 7 नंबर टेबल में रखा गया है, जिनकी वजह से उनको बहुत बड़ा नुकसान, बहुत ज्यादा घाटा हुआ है। तो अब इनके फेवर में केस को पलटने के लिए, इनके फेवर में न्याय दिलाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस दायर होने जा रहा है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से। दोस्तों ये वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी है जो वही सोसाइटी है दोस्तों, वही संस्था है जिन्होंने माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में भी हमारा इक्वल एमएसपी का केस लड़ रहे हैं, और ये एक्स ग्रुप वाला मुद्दा भी उनके द्वारा अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों साथ ही साथ बता दूं, जो वकील साहब हमारा इक्वल एमएसपी का केस दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं वो एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्हीं द्वारा इस केस को भी लड़ा जाएगा। तो एक परिपक्व वकील के द्वारा लड़ा जाना कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में एक्स ग्रुप के पेंशनर्स के लिए कुछ ना कुछ अच्छा निकल के आएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट से, जिससे कि उनको न्याय मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं ओआरओपी 2 में अब न्याय मिलना तय है। जी हाँ, एक्स ग्रुप के पेंशनर्स को अब लगभग शायद न्याय मिलेगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में अब इस केस को जोरों शोर से वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के द्वारा उठाया जा रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते अगली जानकारी की ओर। 1 जनवरी 2006 से पुराने पेंशनर्स को एमएसईपी कब मिलेगा उनको न्याय? 1 जनवरी 2006 से पुराने जितने भी पेंशनर्स हैं उनको एमएसईपी लागू नहीं है, लेकिन ओआरओपी का जो रूल है, ओआरओपी के जो टेबल्स हैं उसमें यह है कि अगर कोई सिपाही जो अगर हवलदार का एमएसईपी लेके आया है तो वो हवलदार के टेबल के हिसाब से फिक्स होगा, लेकिन 2006 से पुराना जो सिपाही है वो सिपाही के टेबल में ही रह जाएगा, जिसकी वजह से ये भी एक्स ग्रुप की तरह ही एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें 2006 से पुराने जितने पेंशनर्स हैं उनको घाटा हो रहा है। तो अगर इसी तरीके से कोई सामने आए, कोई हमारी संस्था सामने आए, मैं वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी से भी यह आग्रह करता हूं कि वो सामने आए और 2006 से पुराने जितने पेंशनर्स हैं उनको एमएसईपी दिलाने के लिए भी इस मुद्दे को भी कहीं ना कहीं चैलेंज करें किसी एफटी में, या हो सके तो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में, या हो सके तो सुप्रीम कोर्ट में ही इस मुद्दे को भी चैलेंज करें, क्योंकि इसमें भी बिल्कुल वाजिब पॉइंट है। क्योंकि 2006 से पुराना पेंशनर्स सिपाही का टेबल देखता है, 2006 के बाद का जो पेंशनर है वो सिपाही होते हुए भी हवलदार या नायक का टेबल देख सकता है, क्योंकि उसको एमएसईपी का फायदा मिला हुआ है। तो ये चीज तो आने वाले दिनों में जब भी ओआरओपी आता रहेगा, 3i 4i 5i ओआरओपी 10i, ये तो अगर एमएसईपी 2006 से पुराने पेंशनर्स को नहीं मिला तो ये घाटा उनके साथ हमेशा बना रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा इनजस्टिस है 2006 से पुराने पेंशनर्स के लिए, जिसको किसी न किसी कोर्ट में, मान्य कोर्ट में उठाने की जरूरत है। अब अगली जानकारी दोस्तों, फैमिली पेंशनर को शिकायत के बाद एरियर। दोस्तों फैमिली पेंशनर को 30 अप्रैल 2023 तक ही ओआरओपी का एरियर मिल जाना था, लेकिन अभी भी कई सारे फैमिली पेंशनर्स हैं जिनको ओआरओपी का एरियर नहीं मिला है। तो ऐसे में जब फैमिली पेंशनर अपना ग्रीवेंस डाल रहे हैं, जब शिकायत कर रहे हैं, तब जाकर के ओआरओपी का एरियर मिल रहा है। आपको मैं एक लाइव एग्जांपल बताता हूं। ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं जो कि निखिल सांगवान जी ने कमेंट किया है मेरे वीडियो में, वहां पर वो लिखते हैं, टुडे आई रिसीव्ड माय एरियर एंड रिवाइज्ड पेंशन आल्सो स्पेशल फैमिली पेंशन फ्रॉम एसबीआई, ग्रीवेंस अप्लाई ऑन 1 जून 2023, थैंक यू सर फॉर योर गाइडेंस, थैंक यू सर। तो दोस्तों आप सबने देखा कि जब पेंशनर ने ग्रीवेंस डाला सीपी ग्राउंड में, तब जाकर के उनको रिवाइज पेंशन भी मिला, उनका एरियर भी मिला। तो इसी तरह से अगर आप भी फैमिली पेंशनर हैं, अभी तक आपको अगर आपका ओआरओपी का एरियर नहीं मिला है, ओआरओपी के टेबल के हिसाब से आपका ओआरओपी का एरियर बन रहा है, तो आपको भी इमीडिएटली बिना देरी किए हुए सीपी ग्राउंड में ग्रीवेंस डालना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एरियर बना 75,000, दिया 25,000, पेंशनर ने लगाई गुहार तो मिला पूरा एरियर। जी हाँ दोस्तों,
आपके साथ ये भी हो सकता है। कल भी मैंने एक वीडियो इसके बारे में डिटेल बनाया था कि पेंशनर का जो एरियर बन रहा था वो 75,000 बन रहा था, लेकिन उनको 25,000 दिया गया। फैमिली पेंशनर है, एक मुश्त में भुगतान होना था, 25,000 मिला। तो उन्होंने जब शिकायत डाली तब जाकर के बाद में फिर से 50,000 आता है। आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूं। अब ये जो मैसेज मुझे मिला है दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं जिसमें पेंशनर ने लिखा है, सर जैसे कि हम फैमिली पेंशनर हैं, पहले मार्च 2023 में 25,000 एरियर मिला, फिर सीपी ग्राउंड्स में ग्रीवेंस डाला तो कल परसों 50,000 और आया, टोटल 75,000 के करीब मिला है। तो ये अगर पता करना हो कि ये सही मिला या नहीं और बचा हुआ है क्या, तो दोबारा सीपी ग्राउंड्स में ग्रीवेंस डालना चाहिए क्या? मैं इनको बोलूंगा ग्रीवेंस अभी ना डालें, क्योंकि एक ग्रीवेंस डालने की वजह से आपका 50,000 दोबारा से रिलीज हो गया है, अब 75,000 आपका बना है। आपका पेंशन में बढ़ोतरी के हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिए, अगर आपका 75,000 के आसपास है तो आप चुप रहिए, लेकिन अगर आपका काफी डिफरेंस है और ज्यादा होना था लेकिन नहीं है तो आपको दोबारा से ग्रीवेंस डालना चाहिए। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर दोस्तों। पति कश्मीर में तैनात है, पत्नी को 100 से ज्यादा गुंडों ने पीटा, तमिलनाडु की घटना। दोस्तों तमिलनाडु के हवलदार प्रभाकरन एम जो जम्मू कश्मीर में पोस्टेड है, उनकी पत्नी को उनके घर में 100 से ज्यादा लोगों ने अर्धनग्न करके पीटा है, जो कि बुरी हालत में अभी हॉस्पिटल में एडमिटेड है। तो दोस्तों ये एक ऐसी घटना है जो कहीं ना कहीं फौजियों को जो है डीमोरल करती है। तो ऐसे में जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार है या जो पुलिस प्रशासन है, उन्होंने फौजियों के जो फैमिलीज हैं, जो परिवार वाले हैं, उनकी हिफाजत के लिए काम करना चाहिए। हालांकि इसमें कोर हेडक्वार्टर या कमांड हेडक्वार्टर ने भी संज्ञान लिया है इस मुद्दे की, और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके संपर्क में आकर के उनके फैमिली को सुरक्षा देने का जो है वादा किया है। जैसे आप ट्वीट देख पा रहे हैं जो नॉर्दर्न कमांड का और चिनाब कोर की तरफ से किया गया ट्वीट है दोस्तों। तो अभी प्रभाकरन एम जी की फैमिली को जो है सुरक्षा मिलेगा, ऐसी हमारी गुहार है, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी ये गुहार है कि कहीं भी अगर जो सैनिक पोस्टेड हैं दूर, तो उनके फैमिलीज को देखरेख करने का, उनकी फैमिलीज को हिफाजत करने की जिम्मेवारी केंद्र और राज्य सरकार की ही है, तो वो इस जिम्मेवारी को भली बात ही नहीं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों को लेकर आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। போற இடம்லாம் அடிக்கிறாங்களா ஐயா, எப்படியாச்சும் காப்பாத்துங்க ஐயா, டிஜிபி ஐயா அவர்களே, இது எப்படியாச்சும் காப்பாத்தி என்ன காப்பாத்துங்க ஐயா, மேல் மேலும் அடிக்கிறாங்க, டெய்லியும் பிரச்சனை, கத்தி எத்தனை வெட்ட வராங்க, ஒன்றும் பண்ண முடியல ஐயா, காப்பாத்துங்க. இந்த பாருங்க ஐயா, இந்த இடத்துல தான் நாங்கள் வேலை செய்கிறோம் ஐயா, இந்த இடத்துல தான் வேலை செய்கிறோம், இதான் ஐயா காப்பாத்துங்க. அரை நிர்வாணமாக்கி என் பொண்டாட்டி அடிச்சிருக்காங்க ஐயா, அரை நிர்வாணமாவைக்கு அடிச்சிருக்காங்க, இது எந்த உலகத்துல நியாயம் பாருங்க ஐயா, காப்பாத்துங்க ஐயா, ஐயா காப்பாத்துங்க ஐயா, காப்பாத்துங்க. நான் கேள்விந்து கேட்க கூடாது, ராணுவ வீரனா இருந்து இருந்தாலும் கேட்கறேன், வேற வழி இல்லை ஐயா, காப்பாத்துங்க ஐயா, காப்பாத்துங்க ஐயா.